सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चुनावी माहौल में नेताओं के बोल अपना ही कितना नुकसान कर एक बड़ा चुनावी मुद्दा दूसरे पक्ष को दे सकते हैं, इसका बड़ा उदाहरण है राहुल गांधी का शक्ति पर दिया बयान, जिससे अब सियासत गर्मा गई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी उनका बचाव कर रही है, लेकिन राहुल ने भाजपा के हाथ में एक बड़ा मुद्दा तो दे ही दिया है। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। रविवार को मुंबई की रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दिया हुआ ये बयान अब लगता है उनके ही गले की फांस बन गया है। विपक्ष को उसके ही हथियारों से मात देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के शक्ति वाले वार को भी हथियार बना लिया है। सोमवार को पीएम मोदी ने राहुल गांधी के बयान पर करारा वार किया था, तो मंगलवार को भी उन्होंने तमिलनाडु की रैली में राहुल को अपने निशाने पर रखा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए महिलाओं को शक्ति स्वरूपा बताया। पीएम ने साफ साफ कहा कि हमारे शास्त्र साक्षी हैं कि विनाश उनका होता है जो शक्ति को खत्म करने का विचार रखते हैं। तमिलनाडु में शक्ति कांची कामाक्षी है, यहाँ शक्ति मदुरई मीनाक्षी है, यहाँ कन्याकुमारी शक्तिपीठ है, यहाँ की शक्ति समयपुरम मारियम्मन है। हिंदू धर्म में शक्ति का मतलब होता है मातृशक्ति, नारी शक्ति। कांग्रेस और डीएमके का इंडी अलायंस कर रहा कह रहा है कि वो इसका विनाश करेंगे। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस वाले बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं और हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। इंडी अलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए, और किसी धर्म का अपमान डीएमके कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी नहीं करता। बीजेपी और एनडीए के तमाम और नेता भी राहुल के बयान का खुलकर विरोध कर रहे हैं और राहुल के साथ ही इंडी अलायंस को सनातन विरोधी करार दे रहे हैं। राहुल गांधी जी, ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग आप किसी अन्य आस्था के बारे में कर सकते हैं? आपके करने की हिम्मत है? आपको करने दिया जाएगा? राहुल गांधी की अगुवाई में ये कांग्रेस पार्टी अब अलगाववादी विचार को लेकर चलती है। मोदी जी जो है वो नवरात्रि का व्रत करते हैं, सिर्फ जल पर व्रत करते हैं। उनको भारत की शक्ति स्वरूपा माताओं का जो है संस्कार में पता है और उनकी महत्ता का ज्ञान है, लेकिन श्रीमान राहुल गांधी जो जॉर्ज पुनैया के शिष्य है, उन्होंने जैसे जॉर्ज पुनैया ने जो माँ भारती का अपमान करते करते जिसने शक्ति का अपमान भी किया था, उसी का अनुसरण करते हुए राहुल गांधी ने जानबूझकर हिंदू धर्म की प्रतीक शक्ति का अपमान किया है। हालांकि विवाद के बाद राहुल गांधी ने सफाई पेश की और कहा कि वे किसी धार्मिक शक्ति के बारे में नहीं बल्कि अधर्म, भ्रष्टाचार और झूठ की शक्ति के बारे में बात कर रहे थे। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भी राहुल के बयान का बचाव कर रहे हैं। शक्ति शब्द अपने आप में बड़ा व्यापक है। अगर हिंदू धर्म की दृष्टि से देखें तो लगातार दो शक्तियों के बीच में संघर्ष रहा है, दैवी शक्ति और राक्षसी शक्ति। अब राहुल जी ने शक्ति की बात कही, अपने ऊपर क्यों ले लिया? कांग्रेस और राहुल भले ही लाख सफाई दें, लेकिन लगता है राहुल गांधी अपने ही जाल में फंस गए हैं।
वैसे ये पहली बार नहीं है जब राहुल और इंडी गठबंधन बयानों के ऐसे फेर में फंसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ती जा